बलरामपुर पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला श्रीमती ज्योति श्री के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष गेंडास बुजुर्ग श्री गौरव सिंह तोमर मय पुलिस टीम के द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बोरिंग हेतु रखे गए चोरी हुए लोहे के 23 अदद पाइप बरामद तथा चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। विदित हो कि दिनांक 10/8/2023 को बांदी मुकदमा श्री अरुण कुमार पुत्र मैनेजर राय ग्राम पटखोली थाना कतैया जिला गोपालगंज बिहार द्वारा सूचना दी गई कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत ग्राम बैथुया में बोरिंग का कार्य इकोटोन कंपनी एवं SS इंफ्रा कंपनी को दिया गया था। थाना क्षेत्र गेड़ास बुजुर्ग के ग्राम बेथुया में 10/8/23 को एक चोरी की घटना घटित हुई, जिसमें वादी मुकदमा श्री अरुण कुमार जो कि दारा ईको के मैनेजर हैं बलरामपुर में और जल जीवन मिशन के अंतर्गत ये बोरिंग का कार्य करवा रहे हैं। दो इनके कंपनीज और हैं जो इकोटोन है और SS इंफ्रा है। इस चोरी की घटना में जल जीवन मिशन से संबंधित जो 77 पाइप थे वो चोरी गए थे, जिसकी कुल कीमत 16 लाख रुपये थी। घटना के संबंध में तत्काल ही गेड़ास बुजुर्ग थाने में अभियोग पंजीकृत किया गया और प्रभारी गेड़ास बुजुर्ग और क्षेत्राधिकारी उतरौला इनकी टीम के द्वारा इस घटना का सफल अनावरण किया गया है, जिसमें चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।